रमजान में पकौड़े तो रोज ही बनते हैं, कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं तो कभी कुछ कमी रह जाती है। ये इनकंसिस्टेंसी घरों में तो आम है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर यह इनकंसिस्टेंसी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कमर्शियल कुकिंग में खाने का एक सा फ्लेवर हमेशा बरकरार रखना इंतहाई जरूरी होता है। ये कहना आसान लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। इसको यूं समझें कि घरों पर हम लोग चाय हमेशा एक सी नहीं बना पाते, जिसमें बस 2-3 अज्जा का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर यही गलती कैफे प्याला पर कोई करे तो कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वहां की चाय जैसी भी हो हमेशा एक सी होती है। इसीलिए आज हम आपको पकौड़ा मिक्स बनाना सिखा रही हैं, जो आप रमजान में एक बार बनाकर रख लेंगे और फिर पूरे रमजान एक से पकौड़े घर पर तैयार करेंगे। पकौड़ा मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसी तरह इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल की जाएगी। ये दोनों लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया और जीरा शामिल करें। धनिया और जीरा एक बहुत अच्छा फ्लेवर बाइंडर है। बेसन बहुत अर्थी होता है, यानी कि इसका जायका मटियाला सा होता है, और हम इस अर्थनेस को बैलेंस करने के लिए इसमें शार्प फ्लेवर्स वाले अज्जा इस्तेमाल करते हैं। इस शार्पनेस और अर्थनेस को एक जान करने के लिए यहाँ भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया और जीरा इसमें शामिल किया गया है। अगर आप इस पकौड़ा मिक्स में ये शामिल ना करें तो पकौड़े अच्छे नहीं बनते, और बेसन और मसाले साफ तौर पे अलग अलग जायके के महसूस होते हैं और इसका अमेजा एक जान नहीं होता। अब इसमें 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करें। अजवाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग लीफी फ्लेवर होता है, जो पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर शामिल करें। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल ना करें, इसका फ्लेवर फ्रेश लहसुन से जरा मुख्तलिफ होता है। गार्लिक पाउडर का नटी सा फ्लेवर होता है। पकौड़े बनाते हुए जब पकौड़ों में प्याज शामिल की जाती है तो ये लहसुन पाउडर प्याज के फ्लेवर को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। इसी तरह इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करें। ना सिर्फ ये पकौड़ों को खुश रंग करेगी बल्कि पकौड़ों को एक डेप्थ ऑफ फ्लेवर भी देगी। हल्दी की इससे ज्यादा मिकदार इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बेसन खुद भी बहुत अर्थी होता है और ये हल्दी भी एक बहुत अर्थी स्पाइस है, तो इसकी मिकदार इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अब इसमें 1 टीस्पून चीनी शामिल करें। चीनी की मिठास बेसन के फ्लेवर को एनहेंस करती है और बेसन में मौजूद कड़वाहट को खत्म करती है। बाजार में लोग पकौड़ों के बेसन में मैदे की मिलावट करते ही इसलिए हैं क्योंकि बेसन हल्का सा कड़वा होता है, जो मैदे की मिठास को बैलेंस आउट कर देता है। मैदा बेसन से सस्ता भी होता है, लेकिन हम यहाँ मैदा नहीं बल्कि चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून खटाई पाउडर शामिल करें। इसको लोग आमचूर भी कहते हैं और ये बेसिकली सूखी हुई कैरी का पाउडर होता है। ना सिर्फ ये पकौड़ों में हल्की सी खटास लाता है बल्कि एक नटनेस भी पकौड़ों में इस खटाई पाउडर की वजह से पैदा हो जाती है, जो बहुत रिच फ्लेवर देती है पकौड़ों को। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर कर मोटा मोटा पिसा हुआ अनारदाना शामिल करें। इसका खट्टा मीठा जायका पकौड़ों को एक फ्रूटीनेस देता है। पकौड़ों पर चाट मसाला छिड़क कर पकौड़े सर्व किए जाते हैं। यह अनारदाना उस चाट मसाले को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, और मेरी नज़र में पकौड़े बगैर अनारदाने के अच्छे नहीं बनते, तो मैं अनारदाना पकौड़ों में ज़रूर शामिल करता हूँ। अब इसमें 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा शामिल करें। यह चावल का आटा अपने टेस्ट के लिए नहीं बल्कि अपने टेक्सचर के लिए यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। चावल के आटे की वजह से पकौड़े क्रिस्पी तैयार होते हैं। कमर्शियल लेवल पर बेसन में चावल का आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैदा क्योंकि ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो बेसन के फ्लेवर को डाइल्यूट कर देता है, जबकि चावल का आटा मैदे से काफ़ी कम मिकदार में इस्तेमाल होता है और पकौड़ों को ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है। अब इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा शामिल करें। यह पकौड़ों को फुलाता है और पकौड़े लाइट और क्रिस्पी तैयार होते हैं। यह इससे ज़्यादा मिकदार में शामिल ना करें, क्योंकि फिर पकौड़े तेल पी लेते हैं और बहुत हैवी और ऑयली हो जाते हैं, तो बस 1 चुटकी ही बहुत है। बस इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिला लें। ये टोटल 6 टेबलस्पून पकौड़ा मिक्स तैयार होता है, और इतना मसाला 2 कप बेसन के लिए बहुत है, यानी कि 1 कप बेसन में
3 टेबलस्पून पकौड़ा मिक्स शामिल करें और पकौड़े बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस पे आने वाले एड्स को स्किप मत किया कीजिए, एक आधा ऐड देख लिया करें वरना हो सकता है कि चैनल ही बंद हो जाए। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।